नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक बैटरी बना के दिखाऊंगा, और ये जो बैटरी है 12 वोल्ट और 10 एम्पियर की होने वाली है। इसके अंदर जो हम सेल यूज़ करेंगे वो 18650 का 2000 mAh का सेल यूज़ करेंगे, जिसका वोल्ट 3.7 होता है और जिसका IR 18-20 होता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक ब्रांडेड ये सेल है और ओरिजिनल 2000 mAh का ये सेल है। उसके बाद यहाँ पे जो हम एक BMS लेंगे, और ये अच्छी क्वालिटी का एक BMS है, जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर IC दी गई है काफ़ी बड़ी, और साथ ही यहाँ पे 4 SMD टाइप MOSFET लगी हुई हैं जो आप ये देख रहे हो, जो IC टाइप में है। साथ ही यहाँ पे हम इंसुलेशन वॉशर वगैरह यूज़ करेंगे, तो बैटरी के बीच जो गैप रहे उसके लिए हम यहाँ पर स्पेसर यूज़ करेंगे। ये इस टाइप के स्पेसर होते हैं, इसी से हम बैटरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये स्पेसर होगा फ्रेंड्स 18650 की बैटरी का, और जो बैटरी का डायमेंशंस जो साइज़ होगा पैटर्न वो होगा 3x5, यानी कि 15+15 स्पेसर की हमें यहाँ पे जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इन्हें इस टाइप से जोड़ लेता हूँ, जैसे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, और 15x3 के हम दो सेट बना लेते हैं, एक बैटरी के ऊपर लग जाएगा और एक नीचे लग जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स इस टाइप की कोई भी बैटरी बनवाना चाहते हो हमसे, यानी कि अगर आप खुद से ना बना के हमसे बनवाना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल्स जो फॉरवर्ड कर देंगे, आपको काफ़ी चीप प्राइस में पूरी कंप्लीट रेडीमेड बैटरी बना के दे देंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड सामान लेना चाहो तो आप हमारे स्टोर sharma.in से ले सकते हो, जो आप साइड में देख रहे हो काफ़ी बड़ा स्टोर है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे दो साइड बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब मैं यहाँ पर जो है ये सेल लूँगा, और इनके पॉजिटिव पॉइंट में मैं इस टाइप के इंसुलेशन वॉशर लगा दूँगा, जिससे कि पॉजिटिव के साथ हमें इंसुलेशन मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी का पूरा कवर जो होता है मेटल का होता है और वो ग्राउंड होता है, यानी कि नेगेटिव वहाँ पे चार्जेस होते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे से टच करें, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए यहाँ पर मैं इस टाइप के इंसुलेशन वॉशर लगा देता हूँ। और टोटल यहाँ पर जो 15 सेल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 15 के 1500 पर मैं लगाऊँगा और ये पॉजिटिव साइड लगाए जाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे जो है बैटरी का पूरा ध्यान रखेंगे हर चीज़ का, इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे सब चीज़ के, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी ये सेल हैं मैं इन्हें लगा लेता हूँ एक क्रम में, जैसे कि 5 सेल को मैंने पॉजिटिव ऊपर रख के लगाया, फिर 5 सेल का नेगेटिव ऊपर रख के लगाया है, और फिर से जो 5 सेल हैं इनके मैं पॉजिटिव को ऊपर रख के लगाऊँगा। तो यहाँ पर जो हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पर मैं ये जो स्पेसर हमने लगाए हैं इसको मैं फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ, स्पेसर को ऊपर की साइड से भी, और नीचे की साइड लग चुका है। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन के लिए मेजर कर करके निकल स्ट्रिप कट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये निकल स्ट्रिप होती है, और यहाँ पे आपको कोई वायर वगैरह नहीं लगाना है, बहुत बार यहाँ पर कॉपर का वायर लगा देते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, आप निकल स्ट्रिप ही लगाइए अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पर मैं स्पॉट वेल्डिंग की मदद से इसको जोड़ता चल रहा हूँ, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर मैं स्पॉट वेल्डिंग कर रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं मैं इस पर सोल्डरिंग न करके प्रॉपर तरीके से जो है स्पॉट वेल्डिंग करता जा रहा हूँ, आप देख लो वीडियो में आपके सामने है जो भी है। तो यहाँ पे एक साइड स्पॉट वेल्डिंग हो चुकी है, अब मैं दूसरी साइड स्पॉट वेल्डिंग कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं जो ये कनेक्शन कर रहा हूँ ये पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूँ, इसमें जो बैटरी के एम्प्स जुड़ते हैं, तो जो हमारी बैटरी है वो एक बैटरी 2 एम्पियर की है, तो हम 5 बैटरी को एक साथ इस टाइप से जोड़ेंगे पैरेलल में, तो हमारा 10 एम्पियर बन जाएगा। और इसके बाद हमें सीरीज़ कनेक्शन करने होंगे, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। जैसे ये अब फिनिश हो चुके हैं हमारे पैरेलल कनेक्शन, तो अब मैं यहाँ पे देखो 2 बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ रहा हूँ। तो अगर हम 3 बैटरी को इस टाइप से जोड़ देंगे, और बैटरी का वोल्ट अगर हमारी का 4 है, तो 3 × जब हम 4 करेंगे, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज × हो जाते हैं, ठीक है, तो 3 × 4 करेंगे तो हमारा 12 वोल्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से जो बैटरी 12 वोल्ट और 10 एम्पियर की बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं मैं सब पे यहाँ पे निकल स्ट्रिप लगा रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लोड प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बैटरी की जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा रहेगी और एनर्जी लॉसेस कम रहेंगे। तो मैं एक साइड लगा लिया हूँ, सेम इसी टाइप से मेरे को दूसरी साइड भी इस पर स्पॉट वेल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं हर एक बैटरी को दूसरी बैटरी के साथ जोड़ रहा हूँ। वैसे अगर आपके पास निकल स्ट्रिप की कमी हो तो आप 2 से 3 जगह लगा सकते हो बीच में, लेकिन मैं यहाँ पर 5 जगह ही लगा के चल रहा हूँ। अगर आप चाहो तो 3 बैटरी को ही जोड़ सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रिंग जुड़ रही है इससे, लेकिन यहाँ पे मैं लोड को देखते हुए प्रॉपर तरीके से हर एक पे लगाता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी तो लगभग बन के कम्प्लीट है, लेकिन अब इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा BMS। तो ये जो BMS है 3S 10 एम्पियर का, जो कि इस बैटरी के लिए बेस्ट है।
तो यहाँ पे मैं डबल साइड की टेप की मदद से इस BMS को बैटरी पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मेजर वगैरह करके यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रॉपर तरीके से। और अब हमें यहाँ पे जो कनेक्शन करने होंगे, तो कनेक्शन में आपको जो 0 वोल्ट है यानी कि नेगेटिव, जो बैटरी का फाइनल नेगेटिव है, उसमें हैवी वायर यूज़ करना है, क्योंकि पूरा लोड नेगेटिव पे ही आएगा और पॉजिटिव पे आएगा। जो बाकी के दो मिड के पॉइंट हैं यानी कि 3.7 जिसको हम B1 बोलते हैं और 7.4 जिसको हम 8 वोल्ट या 7.8 वोल्ट बोलते हैं, ये सिर्फ वोल्टेज सेंसिंग के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वायर यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इन वायर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही हल्के वायर लगा दिए, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मैंने जो वायर यूज़ किए हैं, ये वायर जो आप देख रहे हो वाइट कलर के, ये सिर्फ वोल्टेज सेंसिंग के लिए होते हैं। और ये जो येलो कलर के वायर देख रहे हो, ये हैवी वायर है 1.5 mm का कॉपर का। तो ये 12 वोल्ट और 0 वोल्ट पे मैंने अच्छी क्वालिटी के हैवी वायर लगाए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि लोड जो है करंट है इन्हीं के थ्रू फ्लो होगा, यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज बैटरी में इन्हीं के थ्रू होगा। और यहाँ पे जो BMS से आउटपुट के हमें दो वायर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने दो वायर लगा लिए हैं। और उसके बाद मैं इसको अपॉक्सी शीट से कवर कर देता हूँ। ये मैंने अपॉक्सी शीट ऑलरेडी मेजर करके कट करके टेप से इस तरीके से फ्रेम बना के रख रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको हर साइड से कट करके अच्छी तरीके से अपॉक्सी लगा के और यहाँ पर टेप की मदद से, पेपर टेप की मदद से इसे प्रॉपर जो है बंद कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे हर एक साइड से इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया है। तो लगभग हमारी जो बैटरी है बन के कम्प्लीट है। अब हमें यहाँ पे एक और लेयर लगानी होगी इंसुलेशन की, तो मैं तार को इसके अंदर ही रखूँगा बैटरी के, ताकि अगर ये बैटरी के तार खिंच जाएँ तो ये BMS से ना उखड़े ना टूटे, उसीलिए मेरे को ये जो वायर है बैटरी के अंदर ही कवर करने होंगे। तो मैं पहले साइड से एक लेयर लगा देता हूँ हीट श्रिंक की। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर लगा दी है हीट श्रिंक की, और ये 70 mm की हीट श्रिंक है। अब उसके बाद मैं दूसरी साइड हीट श्रिंक चढ़ा देता हूँ, और इसको चढ़ाने के बाद प्रॉपर तरीके से मैं हॉट एयर गन से गर्म कर रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में। तो ये मैं इसको गर्म करता जा रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो एकदम से ये टाइट हो जाती है, चिपक जाती है बैटरी के साथ। तो यहाँ पे फाइनली ये लेमिनेशन की तरह लग चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हमारी बैटरी बन के कम्प्लीट है। चारों साइड से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो है फिनिशिंग आई है बैटरी पे। और अब मैं आपको इससे जो है मोटर वगैरह लोड वगैरह चला के दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले आपको इसके वोल्टेज चेक करा दूँ। तो यहाँ पे 11.83 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि परफेक्ट हैं। फुल चार्ज होने पर ये 12.6 तक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं एक गियर मोटर चला के दिखा रहा हूँ, काफ़ी ये लोड लेती है गियर मोटर। तो आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ये जो चल रही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।